अब देखो इसमें क्वेश्चन सब कैसे करेंगे, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा कोलिजन का, हम लोग आज सीखेंगे कि कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप क्या है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले तुमको क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सब में लगाना है। लीनियर मोमेंटम मतलब जितना शुरुआत में लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही बाद में होगा। लीनियर मोमेंटम जो कि वेक्टर होता है इसे x को x के साथ इक्वेट कराना है या y वाले को y के साथ, पहला स्टेप ये करना है। अगर इससे नहीं सॉल्व हुआ, अननोन ज्यादा है, तो सेकेंड स्टेप लगाना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा e इक्वल टू v2 - v1 / u1 - u2। और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कोलिजन के टाइप के बारे में कि किस तरह का कोलिजन है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, है ना। अगर कोलिजन के बारे में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड है कि इलास्टिक कोलिजन होगा। और इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना बताया थे ऊपर, वो याद रखना है। और बाकी जो भी कॉलिजन होगा, अगर कोई दूसरे टाइप का कॉलिजन होगा जैसे इनइलास्टिक कॉलिजन होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा, तो इनइलास्टिक कॉलिजन में तुमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई का वैल्यू दिया रहेगा कि ई का वैल्यू कितना है। और अगर क्वेश्चन में कॉलिजन लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इलास्टिक कॉलिजन है, तो ई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 90% क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा, 90% कुछ ही जो जेई एडवांस लेवल का होगा तो वहां पे तुमको टोटल एनर्जी कंजर्व कराना पड़ेगा, है ना। जेई में तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, जेई एडवांस लेवल पे टोटल एनर्जी कंजर्व कराना पड़ेगा। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है कि जैसे 4 kg का एक ब्लॉक है, कितने से मूव करा है, 10 m/s से, ठीक। इसके आगे 6 kg का एक ब्लॉक है जो 5 से मूव करा, बताओ ये इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, धक्का तो मारना है, तो कह रहा बताओ धक्का अगर लग गया तो ये दिखाए धक्का लग गया, है ना। तो धक्का लगने के बाद बताओ 4 kg का कितना वेलोसिटी होगा, 6 kg का कितना वेलोसिटी, मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है तो पीछे लगा स्पीड क्या है, ज्यादा है, है ना। धक्का मारा ये अपना जा रहा है, धक्का मारा, तो धक्का लगने के बाद जो है क्या हो, तो ये हो गया बिफोर कोलिजन, इसका ये बिफोर कोलिजन है और ये हो गया तुम्हारा आफ्टर कोलिजन। तो हम क्या सिखाएं, स्टेप क्या सिखाएं, सबसे पहले तुमको क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम को इक्वेट करना है, क्योंकि इसमें y एक्सिस है नहीं, सिर्फ x एक्सिस है, इसलिए इनिशियल x और फाइनल x को इक्वेट करना है। इनिशियल लिखेंगे x एक्सिस में और फाइनल भी लिखेंगे x एक्सिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कितना है 4 kg और कितने में से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में देखो इसका कितना मोमेंटम, 4 × 10 मास इनटू वेलोसिटी, किधर जा रहा है s, 4 × 10 होगी। चलो इसका देखो तो 6 × 5 देखिए, 6 × 5। अब फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन इसका कितना है, 4 × v1 + 6 × v2, ये पहला है। तुम इसको चाहो तो थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, ये हो गया 40 + 30 = 70। लेकिन अननोन दो है, एक v1 और एक v2, क्योंकि अननोन दो है इसलिए इक्वेशन जो है तुमको दो लिखना होगा। अब ये हो गया, अब मेरे पास सेकेंड ऑप्शन कौन सा बनता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, तब इसको लिखते हैं इक्वल टू कितना होता है, v2 - v1 / u1 - u2। हम बोले 1 कौन सा होगा जो धक्का मारता है और 2 कौन सा होगा जिसको धक्का लगता है। और चूंकि क्वेश्चन में कोलिजन के बारे में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा कोलिजन है, इसलिए अंडरस्टूड है कि इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर मान लो कोई दूसरा कोलिजन होता तो ये गलत दिया होता, 0.5 0.6 से दिया होता, पुट कर देते हैं v2 और v1 हमको निकालना है, इसको रहने दो एज इट इज। अच्छा इसमें u1 कौन होगा, तो u1 ये होगा जो धक्का मारेगा, और u2 कौन होगा जिसको धक्का लगना, तो u1 कितना हो जाएगा,
10 और u2 कितना होगा, तो 1 इक्वल टू कितना होगा v2 माइनस v1 बाय 5, 10 माइनस 5 5, तो v2 माइनस v1 कितना होगा 5। ये दूसरा इक्वेशन। अब बताओ ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और यहां से v1 और v2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब अगर इसी में अगर देखेगा उल्टा डायरेक्शन से आता है ना तो क्या होगा, जैसे ये 10 केजी का एक ब्लॉक है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, अब दूसरा एक ब्लॉक है 5 केजी का, इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, धक्का तो लग रहा है ना, धक्का लगने के बाद बताओ क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखो, चाहे इधर से धक्का मारे इधर से धक्का मारे, तुमको तो नहीं पता एक चीज इधर जाएगा, तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं करना है कि नहीं धक्का लगने वाला इधर जाएगा धक्का लगने वाला उधर जाएगा, वैसा कोई प्लानिंग नहीं करना। बिफोर कोलिजन तुम एक काम करो, मान लो धक्का लगने के बाद आफ्टर कोलिजन 10 केजी इधर गया, हर समय ऐसे ही करना है, अगर नहीं दिया रहेगा हर समय ऐसे ही करना है, तुमको गलती कभी नहीं होगा तुमसे, मतलब ये हो गया बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन पहले से प्लानिंग करके नहीं बैठ जाना है कि ये इधर जाएगा उधर, दोनों को उधर भेज दिया, जो होगा देखा जाएगा और अपने आप से ही आएगा। अब इनिशियल मोमेंटम स्टेट क्या है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा पहले इनिशियल मोमेंटम को इक्वल करेगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल करना है। इनिशियल एक्स में कितना है 10 इंटू 5, उसका कितना है 5 इंटू माइनस 2, याद है ना साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये इधर जा रहा है इसलिए माइनस 2। फाइनल फाइनल का आफ्टर कोलिजन कितना है इसका 10 इंटू v1 प्लस 5 इंटू, इसको अरेंज कर देते हैं, 5 से कैंसिल करा देते हैं, ये एक और चाहिए सॉल्व करने के लिए है ना, अननोन 2 है, एक बार कौन सा आएगा, हमको कोलिजन पर नहीं दिया हुआ, स्टेप ई के जगह 1 पुट कर दिए, v2 और v1 निकालना है, u1 जो धक्का मार रहा है, u2 जिसको धक्का लग रहा है, तो u1 कितना है 5, ये माइनस पहले से, u2 कितना है माइनस होते के इधर जा रहा है, तो v2 माइनस v1 बाय 9 5 प्लस 4। अब बता v1 और v2 सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलो कर भी देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2v1 प्लस v2 इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन क्या है v2 माइनस v1 इक्वल टू 9। बस यही चीज तुमको कर देना है, जीवन कितना हो गया माइनस 1 और यह आ रहा है, तो जीवन आ गया माइनस 1 और v2 आ गया 1, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये जो है 1 मीटर पर सेकंड जाएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा उल्टा जाएगा, ये तो अपने आप सही आ गया। अब v2 कितना होगा उधर जाएगा, यानी अगर ये ऐसे करके धक्का मारता है तो धक्का लगने के बाद ये पीछे भाग जाएगा, देखो इसका 1 माइनस 1 आ गया, ये पीछे हो गया, जब ये वाला किधर जाएगा आगे जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट हर स्टेप में क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल करना, बस
ये काम कर रहा है। समझाई बात सबको? तो ये एक लाइन वाला कॉलिजन है, इसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। ये जितना भी एग्जांपल हो गया ये हेड ऑन कॉलिजन का एग्जांपल है।